मेधावी विद्यार्थी है, अच्छे नंबर लेके आते, बारहवीं क्लास में 70% नंबर भी लेके आए, कोई जाति समाज का हो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो आदिवासी बेटा बेटी हो, वो गैर आदिवासी बेटा बेटी हो, कोई भी बेटा बेटी हो, उनके मम्मी पापा चिंता ना करे। अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT में होगा, पॉलिटेक्निक में होगा, ट्रेड के माध्यम से किसी लॉ कॉलेज में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। ये क्रांतिकारी फैसला है बच्चों की जिंदगी बदलने का। मैं अपनी बच्चों के आंखों के सपनों को किसी भी कीमत पर मरने नहीं दूंगा, किसी कीमत पर नहीं मरने दूंगा। ये बच्चे पहले फूले और आगे बढ़े, ये मेरी जिंदगी का मकसद है, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। और इससे जब मैंने ये योजना बनाई तो कई बातें हुई, कितनी फीस भरोगे? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 8 लाख रुपया हर साल की फीस है। एक बच्चे को डॉक्टर अगर बनाना है तो 40 लाख रुपया चाहिए। मुझे अफसरों ने कहा, सर क्या एक बच्चे की पढ़ाई पे खजाने से 40 लाख रुपया देंगे? कहा हाँ, 40 लाख रुपया भी दूंगा। मेरे बच्चों तुम्हें रास्ते में नहीं छोड़ूंगा, तुम पढ़ोगे तो मध्यप्रदेश अपने आप बढ़ जाएगा। मुझे मध्यप्रदेश बदलना है। देखो उन्होंने दिया बीमारू मध्यप्रदेश, बीमारू मध्यप्रदेश तो मैंने बनाया, सड़क बिजली पानी देके विकासशील मध्यप्रदेश, उसको विकास विकसित प्रदेश के रास्ते पर आगे बढ़ाया। और अब मेरी जिद है मध्यप्रदेश को समृद्ध मध्यप्रदेश बनाऊंगा, यहाँ भूख नहीं रहने दूंगा। मेरे किसान भाइयों, मंडी प्रांगण में अपनी सभा हो रही है, आज ईमानदारी से बताना, ये कांग्रेस बात करती है किसान 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 किसान, अरे जितना पैसा किसान के खाते में शिवराज सिंह चौहान ने डाला है बताओ कभी कांग्रेस ने डाला बचा? आज ने याद आ गए किसान, हरियाली बाहर है, उनके एक दिल्ली वाले नेता, हंसी आती है जब वो किसान की बात करते हैं, उनको तो ये भी पता नहीं है कि मिर्ची ऐसे लगती है कि ऐसे लगती है। और बात किसान की करते हैं, प्याज जमीन के नीचे होता है जो ऊपर होता है, जो ये नहीं समझते वो चर्चा किसान की कर रहे हैं, क्योंकि केवल वोटों की फसल काटने का काम उन्हें करना है। अरे कांग्रेस के मित्रों, तुमने किसानों को 18% ब्याज पे कर्जा दिया था, मैंने घटा के किया 0%, याद है कि नहीं? और जब कांग्रेस की सरकार थी खाद के लिए लाइनें लगती थी, मैंने अग्रिम भंडार भरवा के कह दिया 3-4 महीने पहले ले जाओ, किसानों का ब्याज कौन भरेगा? मेरा ब्याज मैं भरवाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, आप तो पहले ही खाद उठा के ले जाओ। कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी उस समय किसान के किसी भी चीज को खरीदने का काम नहीं होता था, बताओ कांग्रेस ने कभी लहसुन खरीदा था क्या? कभी प्याज खरीदी थी क्या? अरे ढंग से गेहूं नहीं खरीदते तेरे मेरे बहनों और भाइयों, हमने चना खरीदी, मसूर खरीदा, गेहूं खरीदी, लहसुन के 800 रुपया क्विंटल अलग से देने वाला हूँ, प्याज के 400 रुपया क्विंटल अलग से देने वाला हूँ, कपास बिकेगा 5400 रुपया क्विंटल, और मक्के की कीमत दूंगा 1700 रुपया क्विंटल, सोयाबीन बिकेगा 3400 रुपया क्विंटल। किसान भाइयों, तुम्हारे पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। जब कांग्रेस ने दिया कोई बता दे, एक साल में 33,000 करोड़ रुपया मैंने किसानों के खाते में डाला है, खेती को फायदे का धंधा बनाऊंगा। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस दिशा में समर्थन मूल्य बढ़ा के इस दिशा में काम कर रहे हैं। एक तरफ किसान को ठीक दाम देना है और दूसरी तरफ गरीबों की जिंदगी भी बदलना है। ए मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, और जन आदिवासी भी गरीब बहनों और भाइयों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैंने जिंदगी बदलने का फैसला किया है, और ये जिंदगी कैसे बदलेगी? ये कांग्रेस कहती रही बात तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इंदिरा जी कहती रही गरीबी हटाओ, राजीव जी कहते रहे गरीबी हटाओ, कांग्रेस कहती रही गरीबी हटाओ, अरे कांग्रेस से गरीबी हटी क्या? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, फिर नारे से गरीबी हटेगी क्या? अरे शिवराज से सीखो कैसे गरीबी हटती है। मैंने संकल्प किया है हम गरीबी हटाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबी हटाएगी। मेरे कार्यकर्ता साथियों, मुझे कहती हूँ गर्व है, उसका पूरा रास्ता हमने तय किया,
हमने योजना बनाई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल योजना बनाई और उस योजना में कौन कौन आता है, उस योजना में सब तरह की मजदूरी करने वाले, खेत जोतने वाले, फसल काटने वाले, गिट्टी तोड़ने वाले, पत्थर ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, गारा भरने वाले, हाथ ठेला धकाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, जितनी मजदूरी करने वाले हैं सब संबल योजना में शामिल है। और उसके अलावा 2.5 एकड़ तक जमीन जिन किसानों के पास है वो भी इस योजना में शामिल है, क्योंकि वो भी गरीब होते हैं। और छोटे छोटे व्यापारी, ये किराने की छोटी मोटी दुकान वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय का ठेला लगाने वाले, पान की गुमटी चलाने वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, ये जितने फुटकर विक्रेता है कल 11 बजे उनको संबोधित कर रहा हूँ। ये छोटे मोटे दुकानदार भाइयों, तुमने इस संबल योजना में तुम्हें शामिल किया है, तुम्हारा भी कल्याण करूंगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मेरे भाइयों, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम कमाते कितना हो, थोड़ी सी पूंजी लगा के छोटी मोटी दुकान चलाई, 100, 200, 300, 400 रुपए कमाए, उससे पेट भरते हो, और उनको भी मैंने संबल में शामिल करने का फैसला किया है। और संबल में शामिल होने के बाद लाभ क्या मिलेगा, तो सुनो मेरे बहनों भाइयों, ये जितनी श्रेणी मैंने आपको बताई इनमें सबसे पहले हमने तय किया कि जितने संबल के अंतर्गत जो भाई और बहन आएंगे उनको बिना जमीन के टुकड़े के नहीं रहने दिया जाएगा, रहने की जमीन का मालिक पट्टा देके बनाया जाएगा, कोई बिना जमीन के मध्यप्रदेश धरती पर नहीं रहेगा। हम गांव में भी पट्टा देंगे, हम शहर में भी पट्टा देंगे, कोई बिना पट्टे के नहीं रहेगा, जाए झक रहेगा जमीन पे, बच्चे भी कह सकेंगे ये जमीन का टुकड़ा मेरे पापा का है, मेरी मम्मी का है, एक अंग्रेजी हो कैसा संसार बनाया रे तुमने कि कई लोगों के पास रहने की जमीन का टुकड़ा तक नहीं छोड़ा, हम रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। और उसके बाद दूसरा जो कदम हमारा जिस पे अभी काम चल रहा है, जितने भी ये गरीब है मध्य प्रदेश की धरती पर, उन सभी गरीबों को पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, कोई कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, खूब राज किया कांग्रेसियों। अरे टूटी झोपड़िया में लोग रह रहे बच्चों के पन्नी तान के रह रहे हैं, तुम्हें जरा भी मन में ये ख्याल नहीं आया कि इनके पक्के मकान बने, हमने फैसला किया कि सब गरीबों के बड़े भवन ना बना पाए लेकिन छोटा पक्का मकान जरूर बनेगा। अभी इस विधानसभा में 7,258 मकान बन रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में मिला के 7,686, चिंता मत करना, जिनके नंबर इस साल नहीं लगे अगले साल मिलेंगे, अगले साल भी कोई छूट गए तो उसके अगले साल बनवाऊंगा। 4 साल में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा, सबके पास पक्का मकान होगा। ए धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना चन्ना जुम्मन, तुम्हारे भी दिल बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सब पक्के मकान में रहेंगे, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उसके बाद एक चीज जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जितने भी मेरे बच्चे हैं उनकी फीस भरवाऊंगा, गरीब से गरीब बेटा बेटी हो, आदिवासी बेटा बेटी का भी भरवाऊंगा, गैर आदिवासी बेटा बेटी का भी भरवाऊंगा, पढ़ते आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे, उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा। और चौथी चीज मेरी बहनों, उन तुमसे कह रहा हूँ, परसों राखी का त्योहार है, मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता हूँ, मुख्यमंत्री बनते अगर मैंने सबसे पहली योजना बनाई तो वो योजना थी लाडली लक्ष्मी योजना, उसके बाद साधना मेरे साथ बैठी है, लगातार मेरे साथ यात्रा में साथ रहती है, हमने पहले जब मैं सांसद था तब हम लोगों ने तय किया कि गरीब बेटियों की शादी अपने संसदीय क्षेत्र में करेंगे, मुख्यमंत्री बनते तय किया कि मध्य प्रदेश की सारी बेटियां अगर परिवार को तकलीफ है शादी करने में तो मामा शादी करवाएगा, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, मुख्यमंत्री निकाह योजना बनाई, इन बहनों के लिए बेटियों के लिए हमने तय किया दूसरे गांव जाना पड़े तो पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल में बिठवा के भेजेंगे, तो बेटियों को साइकिल देना शुरू किया, बाद में भांजे रूठ गए, मामा बेईमान हो रही है, भांजे साइकिल पे बैठ के जाए, भांजे पैदल घिसते, अरे मामा हमें भी दे दे, तो
तो मैंने भाइयों को भी साइकिल देना शुरू कर दिया। जो दूसरे गांव से आते हैं उनको साइकिल का इंतजाम, एक नहीं अनेकों योजनाएं, बिना का तो आधी रात हो जाएगी। और उसके बाद तय किया कि 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में देंगे। आज जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष, नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष, भारत की पार्षद, सरपंच, कितनी बहने मेरी है, मेरी बहनों क्यों हो, इसलिए जिस भाई ने तुम्हें 50% रिजर्वेशन दिया ताकि मेरी बहने राज कर सके और सही मामलों में महिला सशक्तिकरण का काम हो सके, इसलिए बहनों को 50% का रिजर्वेशन दिया। मेरे बच्चों, अभी शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, उस भर्ती में भी हमने नियम बना दिया कि आधे बेटों की भर्ती करूंगा और आधी बेटियों की भर्ती करूंगा। आधे शिक्षक बेटे होंगे और आधी बेटियां होगी। और पुलिस में भी भर्ती होने वाली है तो पुलिस में भी तय कर दिया है कि पुलिस में भी 33% भर्ती बेटियों की करूंगा। मुझे कई लोगों ने कहा, कमाल करते हो, 33% भर्ती बेटियों की करोगे, ये बेटियां क्या कानून और व्यवस्था की स्थिति बना लेंगी, क्या अपराधियों का मुकाबला कर लेंगी? अरे मैं इनका बेटियों के हाथ में जब बंदूक दूंगा तो अपराधियों की छाती छलनी करने में उनके हाथ नहीं कांपेंगे, उनकी अकल ठिकाने लगा देंगी मध्यप्रदेश की बेटियां। बताओ मेरे भाई, पुलिस में बेटियों की भर्ती करके अच्छा करो कि बुरा करो? अरे सब बताओ, अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ? अरे बेटियां पुलिस में होंगी और किसी बहन को कष्ट होगा तो खुल के बात कह सकेगी थाने में जाके, चौकी में जाके, बेटियां किसी से कम थोड़ी होती है। और फिर बेटियों को भर्ती करने का फैसला किया और एक कानून और बनाया। मुझे गर्व है ये कहते हुए, सचमुच में मुझे गर्व है। हम देखते हैं एक तरफ जब बहन और बेटियों का हम दिल से सम्मान करते हैं, कुछ नर्म साथ जैसे हो जाते हैं जो मासूम बिटिया के साथ भी दरिंदगी करते हैं, दुराचार करते हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जब विधानसभा में विधेयक पारित करके हमने कानून बना दिया अगर मासूम बिटिया से कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा, सजाए मौत, सजाए मौत। ये दरिंदे इस धरती पर जीने के काबिल नहीं है, इनके बोझ से धरती को हल्की करना होगा। जितने मध्य प्रदेश ने यह कानून बनाया और बाद में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू किया, 13 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। नरेंद्रो, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम रह नहीं पाओगे, इस दुनिया में तुम रह नहीं पाओगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कड़ा कानून बनाया है। और अब एक चीज और मैंने की है, मेरी बहने, मेरी बहने अगर बेटा बेटी को जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया उनके खाते में डालूंगा और जन्म देने के बाद फिर 12,000 रुपया और उनके खाते में डालूंगा ताकि मेरी बहनें आराम कर सके। बेटा बेटी पैदा हुआ नहीं कि चली मजदूरी करने, ढंग से आराम भी नहीं कर पाती थी मेरी बहनाएं। इसलिए हमने ये नियम बनाया है, बहनों की जिंदगी बदलूंगा। राखी की शुभकामनाएं मेरी बहनों, तुम्हारा भाई सही अर्थों में पहला सशक्तिकरण के काम के लिए है। लेकिन संबल योजना में, संबल योजना ठीक है सुनाई दे रही, अरे बैल सिंह बगल में खड़ा है, कहीं गला काय में खींचेगा। संबल योजना में एक काम और किया भैया, देखो एक काम में फैसला किया कि हर घर बिजली होनी चाहिए, गरीब की टापरी में भी बिजली होना चाहिए, हर फाड़िए में बिजली होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? और इसे घर घर बिजली देने का हमारा अभियान जारी है। और बिजली के बिल जो गरीब के गले की फांसी का फंदा था, अब वो गरीब बिजली के बिल नहीं भरेंगे, बिजली के बिल जमा कर दो और कह दो मामा जी हमारा बिल भरेंगे। गरीब भाई और चिंता मत करो, 26 लाख के भर दिए और जितने रह गए हो भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है वो बिल जमा करवा दे तो मैं पैसे जमा करवा के तुम्हें बिजली के कर्जे से मुक्त कर दूं। पूरी तरह से मुक्त, चिंता मत करो। और आगे बिजली का बिल केवल 200 रुपया महीना, 4 बल्ब जलाओ, टेलीविजन चलाओ, पंखा चलाओ, एक नहीं दो दो, एक भांजे भांजियों का, एक मम्मी पापा का, 2 पंखे चलाओ, टीवी देखो और गर्मी में कूलर भी चला लो,
और मोबाइल तो जरूरी है, उसको भी चार्ज कर लो। इस सबके लिए जितनी बिजली लगेगी केवल 200 रुपया महीना में गरीब को दी जाएगी मेरे बहन और भाइयों, केवल 200 रुपया महीने में। और इससे कम अगर लगेगी तो उस उतना पैसा और कम दिया जाएगा। निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करवाऊंगा ताकि कोई गरीब इलाज के अभाव में दम ना तोड़ दे। जिंदगी बदलूंगा, जिंदगी तय किया मेरे बहन और भाइयों। इस योजना के अंतर्गत एक्सीडेंट में अगर मौत होगी, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन दुनिया है होती है, 4 लाख रुपए का चेक सीधे घर पे मेरी बहन के पास आएगा। सामान्य मृत्यु होती है 2 लाख रुपए का चेक आएगा, और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया भेजे जाएंगे ताकि आखिरी विदाई पूरी इज्जत के साथ हो सके। जिंदगी बदलने का अभियान है मेरे बहनों और भाइयों। मेरी बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अब जरा एक बार कल्पना करके देखो, सबका पक्का मकान बन गया, रहने को प्लांट है, बच्चों की फीस भराने का काम होता है, बीमारी में इलाज होता है, बिजली सस्ती हो जाती है, और बिजली के बिल के अलावा इला बच्चों की फीस भरा जाती है, मौत मैयत में पैसा मिलता है, अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा मिलेगा, तो बताओ गरीबी बचेगी क्या? अरे जोर से बताओ, बचेगी क्या? नहीं बचने देंगे गरीबी को मध्य प्रदेश में, खत्म करेंगे पूरी तरह। इसे जिंदगी बदलना है, मध्य प्रदेश बदलना है, नया मध्य प्रदेश बनाना है, समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज रात को 11:15 बजे आपसे आशीर्वाद मांगने राजगढ़ की मंडी में आया हूँ, इन सब कामों को आगे बढ़ाने के लिए। एक बार फिर शिवराज को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए, ताकि इन कामों को मैं आगे बढ़ाने का काम कर सकूं सफलता के साथ। इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। नर्मदा माही लिंक परियोजना के भी टेंडर हो गए हैं, नर्मदा जी और माही इसके भी टेंडर हो गए, और भी कई काम होंगे, चिंता मत करो। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, बोलिए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, अरे इधर वालों का भी मिलेगा और इधर वालों का भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मामा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आइए आज संकल्प लीजिए मेरे साथ कि फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताने में दिन और रात कर देंगे, एक कर देंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।